और भाई खाली यहाँ पर व्हाइट कलर के फेंटल नहीं है, सैडल में नहीं है, ग्रे टेल में है, चॉकलेटी में है, कॉफी में है, फिर सिल्वर में है। नहीं, एक बार इधर शो हो जाएगा तो पूरा मालूम हो जाएगा कितना कबूतर मुंबई में छुपा हुआ है। अच्छा, अरे बहुत है ऐसा, देखो दिखाता नहीं यहाँ पर, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे दिखाते नहीं है, किसी का टाइम ही नहीं है तो सीधा। देखिए दोस्तों, आज बहुत दूर से मेहमान आए हुए हैं महेश पाटिल के लॉफ्ट पे, भटकल कर्नाटका से, उनसे आपको मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। आपका? अच्छा, आप सद्दू भाई, वो सामने सद्दू भाई खड़े हैं, आप उनके लॉफ्ट पे गए थे, उनका बुगा आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था उनका बुगा। अच्छा, आपको कैसा लगा? साइज वगैरह? साइज में बहुत बड़ा था और फैंसी था थोड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे आने के लिए, अभी सद्दू भाई से बात हो गई थी तो अभी फाइनली आ ही गए, बहुत अच्छा लगा सर। इन लोग को रात को जाना है दुबई, मैं तो चाह रहा था कि और भी कोई लॉफ्ट पे लेके जाओ, लेकिन इन लोग को जल्दी है तो अभी महेश भाई के यहाँ पर आए हैं, मैं कबूतरों का भी शौक कराऊंगा और इन लोग से इंटरव्यू भी लूंगा इंशाल्लाह ताला। देखिए जो मेहमान जो कर्नाटक से आए हुए है, महेश भाई उन लोग को शौक करा रहे। अच्छा दोनों भाई लोग बताइए, जो मेहमान है भाई, महेश भाई का लॉफ्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया भी है। और दूसरी बात, सद्दू भाई की और महेश भाई की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? एक नंबर, फर्स्ट क्लास। अभी इतना पेट भर के खाना खा के आए थे, फिर महेश आगे खिला दिया महेश भाई। और इनके लॉफ्ट कैसे लगे? यानी बहुत अच्छा लगा। यानी अगर आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे, चलिए बताइए। नहीं मतलब इतना अच्छा लॉफ्ट बनाया इन लोगों ने, अच्छा शो किया है, अच्छा अच्छा ब्रीड रखा है, यानी जो भी आएगा उसका शौक बढ़ेगा जरूर। जरूर। देखिए महेश भाई के ऊपर बैठा हुआ है ये, महेश भाई की बात अलग है भाई, हसमुख चेहरा है वो। भाई आपको कैसा लगा शौक? बहुत बढ़िया। और जो उधर फेंटर जो दूसरे लॉफ्ट में रखे है वो सब कैसे लगे? वो भी बहुत अच्छा था। अभी यहाँ से एक लॉफ में से निकल कर दूसरे लॉफ की तरफ जा रहे हैं, महेश भाई शौक कराने दूसरे लॉफ की तरफ जा रहे हैं, अंदर सद्दू भाई खड़े हैं। ये एक हसमुख चेहरा है और एक हंसते ही नहीं है भाई, क्या पता कि का कौन से कि कौन सी दुनिया में बिजी रहते क्या पता। अभी दूसरे लॉफ की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। हाँ देखिए, अभी कुछ लॉफ का भी शौक करा था दूसरा, आप देखिए पूरा बेडरूम की तरह पूरा लॉफ्ट बनाया हुआ है, पंखे ऊपर सीलिंग देखिए आप, माशाल्लाह लॉफ्ट देखिए, ओमस्की का पूरा खजाना है एंड तक। एक जगह पर खाना खा के आए हमारे, ये आपको और भी शौक कराता हूँ आगे, ये सब ओमस्की है। चलो मैं आगे का लॉफ्ट दिखाता हूँ, अंदर का भी सिस्टम देखिए सर, मस्त सिस्टम बनाया है एकदम बेडरूम जैसा। ये कोकटेल है, इसकी ब्रीडिंग कर रहे हो, महेश पाटिल लॉफ्ट माशाल्लाह। यहाँ से भी व्यूज दिखा देता हूँ, भी अंदर का लॉफ्ट दिखाता हूँ, तो ये भी कोकाटेल है। सब फेंटल है, सब हैवी क्वालिटी के फेंटल है। कोई उमस की है लॉट है, ये फेंटल का लॉट है। एक से बढ़कर एक कबूतर है माशाल्लाह। ये जो बाहर मेहमान आए हैं वो जरा कबूतर हाथ में लेकर देख रहे हैं क्या क्वालिटी है क्या है। तो
कैसे फेंटल है भाई महेश भाई के? बहुत बढ़िया फेंटल है। मैंने केरला में एक देखा था शो में, उसके बाद अभी देख रहा हूँ मैं इतना। यानी केरला केरला शो में आपने जो फेंटल देखे थे उसके बाद यहाँ पे टॉप क्वालिटी में आप फेंटल देख रहे हैं महेश पाटिल के लॉट पे। और खाली एक तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इधर। यानी ऐसा औमस्की, यानी अपने आंखों से लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखना बोले तो अपने आंखों से सामने देख रहे बोल रहे ऐसी क्वालिटी मैंने नहीं देखा। और ये जो उसकी दुम है ना, जो उसकी दुम, जब जोया राजी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये दुम जाली की वजह से नहीं होती, ये नेचुरल है, पैदाइशी है। तो ये भाई का कहना है कि मैंने ऐसे उमस की पहली बार देख रहा हूँ। और भाई खाली यहाँ पर व्हाइट कलर के फेंटल नहीं है, सैडल में नहीं है, ग्रे टेल में है, चॉकलेटी में है, कॉफी में है, फिर सिल्वर में है। नहीं, एक बार इधर शो हो जाएगा तो पूरा मालूम हो जाएगा कितना कबूतर मुंबई में छुपा हुआ है। अच्छा, अरे बहुत है ऐसा, देखो दिखाता नहीं यहाँ पर। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे दिखाते नहीं है, किसी का टाइम ही नहीं है, तो सीधा रात में आते हैं। अब इतने बड़े बड़े लॉफ्ट है तो सीधा रात में आके लोग दाना पानी करते हैं। देखिए नीचे भी फेंटल है, कितने बड़े बड़े है देखिए। तो आप भी देखिए अपने आंखों से, देखो पूरे कलर सब है, सब है। देखो ये आपको खोल के दिखाता हूँ, क्वालिटी देखिए। नेचुरल वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी जूम करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ। ये वाइट में है, वाइट वाला आपको दिखा रहा हूँ। टेल देखिए इन लोग के, देखो ये टेल, देखो इसकी टेल, देखो देखो टेल, देखो इनके चॉकलेटी कॉफी टाइप। खाली ऐसा नहीं ग्रे में, सिल्वर में, हर में, हर वाइट में, हर एक क्वालिटी में माशाल्लाह। और सब इम्पोर्ट है, हाँ सब नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे फेंटल है, बहुत सारे। देखिए सबके टेल भी देख लीजिए, ये वाला पैर देखिए, ये देखिए ये पैर देखो, इसका टेल देखो, अंडे पे बैठा हुआ है। क्वालिटी देखो, टेल देखो, साइज देखो, हाई क्वालिटी पिजन है, हाई क्वालिटी पिजन। इसी तरह मैं आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूँगा, देखते रहे। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसका भी शौक करा देता हूँ। देखिए ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, फीमेल बैठी हुई है, मेल घूम रहा है। यहाँ पर भी सिस्टम है पूरा। अच्छा भाई, आपने कोई चीज़ परचेस की है क्या महेश भाई से? कोई चीज़ आपने ली है? बात हो रही है, मैं कौन सी ब्रीड? एक पेर ओमस्की का पसंद किया है और एक पेर फेंटल का और एक वो फाउंटर मैंने देखा। अच्छा महेश भाई, इतने दूर से मेहमान आए हुए हैं। ओ महेश भाई, हाँ। इतने दूर से मेहमान आए हुए तो जरा रहम करना उन पर। महेश भी नहीं, इनको बोलो ना, उनका ही रेट एकदम सबसे, हाँ। मतलब होलसेल रेट बोलते हैं ना। अच्छा। वो रेट उनको, इतने दूर से आए बिचारे तो उन पर रहम करना जरा, क्या बोलते हैं भाई, बराबर ना? इन्होंने जो पसंद किए है मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ
कर्नाटक से आए हुए, कर्नाटक भटकल। कौन सा पसंद किया आपने? ये हाँ, ये ब्लैक टेल। ये ब्लैक टेल, ब्लैक टेल बहुत मस्त है, छोटी चोंच में आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। ये कबूतर को जोए राजी ने हाथ में लिया था, ये कबूतर को जोए राजी ने अपने हाथों से उठाया था ज़मीन पे से, वो टाइम पे ये ज़मीन पे नीचे था माशाल्लाह। और कौन सा देखिए, फेंटल। फेंटल में ये चिक देखा, ये वाइट वाला, ये बड़े वाले पेड़ का बच्चा है, बहुत नाइस क्वालिटी है। और कौन सा देखिए, और ये, ये जो टेल में ये वाला बहुत अच्छा फैन है इसका भी, हाई क्वालिटी पिजन, बहुत अच्छा चॉइस है आपका। आप भी कबूतर पालते हैं, ऐसा नहीं है, जो कबूतर पालने वाले होते हैं वो तो एक ही बार में पहचान लेते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जिसके पास भी, जिसको भी कबूतर लेना है देख के ले, जो चीज़ किसी को जो मालूम होती है उनसे पूछ के ले, ऐसे ही ना लें, क्योंकि मैंने ऐसे ही बहुत पैसे डाले हैं इसमें। अच्छा। मैंने इधर उधर से मंगा के मैंने ले लिया पूरा, बाद में मैंने 2,000 पीस में दे दिया, 15,000 में ले लिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं इतनी जो वीडियो बनाता हूँ आप लोग देखते हैं, हाँ। तो जैसा महेश भाई का जो मैं नाम लेता हूँ, तो क्या महेश भाई का ऐसा लॉक और ऐसा वीडियो है? वैसा है, मैंने बस ऐसे ही शौक से देखने के लिए आया था, बट मेरे को इधर आके दिल लगा लेंगे, लेके जाएंगे एक फिर रखेंगे। एक्चुअल में मैं लेने के लिए नहीं आया था सद्दू भाई को, बस ये दुबई जा रहे थे तो सोचे कि चलो सद्दू भाई, मैं आया हूँ, मैं लेके भी नहीं जा रहा हूँ, अभी दुबई जाके 3 दिन बाद आके फिर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से ये दुबई जाएंगे, फिर दुबई से आएंगे, फिर लेके जाएंगे। हाँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अभी सौदा कर रहे हैं, कितने में कर रहे हो तो मुझे नहीं पता है, वो तो आपस की बात है। आपको क्या पसंद आया? अच्छा, ये छोटा वाला व्हाइट वाला जो गर्दन हिला रहा है। नहीं, मैंने ये वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, तो अच्छा। मैं बोल रहा था ये लेना है, आज सामने ही देख लिया है। कौन सा वाला? ये ये ब्लैक वाला। हाँ। इंस्टाग्राम पे देखे थे, किसके इंस्टाग्राम पे देखे थे? ऐसे ही रील आता है ना। अच्छा, वो जो कारपेट पे, रेड कारपेट पे जो है, बस वो 19-20 का फर्क है और कुछ नहीं है। नहीं, ये उनको अच्छे से उसका फेदर निकाल के वापिस से बिल्कुल आएगा। अच्छा, मेंटेन किया